हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। खासकर डेहरा सीट पर कांग्रेस ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है। ऐसे में होट सीट में सोमवार देहरा में उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। सीएम सुक्खू का नाम जुड़ने से देश सहित प्रदेश भर में देहरा विधानसभा सीट सुर्खियों में आ गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली देहरा में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का मायका भी है। ऐसे में ये सीट अब मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है। वहीं कमलेश ठाकुर को देहरा से टिकट मिलने के बाद सीएम सुक्खू ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन मैं हाईकमान के आदेशों को टाल नहीं सका। सर्वे में नाम आने के बाद हाईकमान ने मेरी पत्नी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। ऐसा है कि इस समय हाईकमान ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए, मैंने उस समय भी इनकार किया। और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया, मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में, मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाई कमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाई कमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। जब देहरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देहरा मेरा, तो आज मेरे रूम में मैं वहाँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। 3.5 साल वो वहाँ के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहाँ किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, वहीं लोगों ने पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज्यादा तौर पर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।